नमस्कार, मैं हंसराज चंडालिया पूरा केलिंग इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिन्होंने भी आज थोड़ा सा भी जहन उठाया, थोड़ी सी तकलीफ उठाई है इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उन सभी का हम लोग बहुत तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। आज का प्रोग्राम, आज ये हमारा जूम शो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं दीपावली और छठ पूजा की जो है अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हुए ये प्रोग्राम आज हम लोग शुरू करेंगे। और आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान सा है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इतना ज्यादा है कि आज हमारे जीवन में हम सफल हैं या असफल हैं, इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ उसी का कारण है। तो जैसा कि पोस्टर आप सबके पास गया है, आप सबको पता है कि आज किस विषय को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिनके बारे में हम लोग पिछले 7-8 सालों से काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस चीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उस चीज को इतने अच्छे ढंग से निभाया है कि 24/7 उनका वो जो ध्यान है, यानी कि जिस फोकस की आज हम लोग बात करेंगे, यानी जिस अटूट फोकस की हम लोग जो बात करेंगे, वो फोकस वो डगमगाया नहीं। तो आज ऐसे व्यक्तित्व से हम लोगों को ये जानने और सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे अपने ध्यान को एक जगह पे ही हम लोग केंद्रित करके रखें, कैसे जो हमारा मन है जो विविधताओं से भरा हुआ है और ये भटके नहीं, और एक जगह पे रख करके अपने जीवन में कैसे अपार सफलता को हम आकर्षित करें। तो इसी के लिए आज ये प्रोग्राम हम लोगों ने केलिंग इंडिया परिवार की तरफ से ये रखा गया है, और आप सभी का स्वागत करते हुए, और हम लोग चाहेंगे कि आज उस शख्सियत को जिनके मार्गदर्शन से ही आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, और जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत सफलता को लाने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों पे उन्होंने कार्य किया है, तो ऐसे ही एक महान शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी जगहों से जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इज नन अदर देन आवर वेरी ओन द डायरेक्टर ऑफ केलिंग इंडिया एंड द क्रिएटर ऑफ चैंपियन, प्लीज वेलकम मिस्टर जगदेशन सुब्रमण्यम सर। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, वेलकम सर। यस, इट्स लॉन्ग मोर देन अ मंथ। या कंटिन्यू। आज लगभग एक महीने के बाद हम लोग सबको मिल रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, रिसेंटली वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम लोग बहुत सारे त्योहारों के बीच में से गुजर रहे हैं। We just finished one big festival. हम लोगों ने अभी एक बड़ा त्योहार मनाया। Another festival is coming. एक और आने वाला है। And after that another festival will come. और उसके बाद और फिर त्योहार आएंगे। Because this country is a multicultural, multi society. So we have festival after festival. क्योंकि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है, इसलिए हम त्योहारों पे त्योहार मनाते रहते हैं। But festival is festival. लेकिन त्योहार जो है वो त्योहार है। Whether you have money or no money, you still want to enjoy festival. हमारे पास पैसा हो या ना हो, फिर भी हम त्योहार का मजा लेते हैं। Some people even don't have money will find during the festival time they will find the money to enjoy the festival. और जिनके पास पैसा नहीं है त्योहार के टाइम में, वो ठीक जो है पैसा का जुगाड़ करके उस त्योहार को मजा एंजॉय करते हैं। We need to enjoy festival. हमें त्योहारों को एंजॉय करना चाहिए। Because that gives us joy to enjoy. क्योंकि वो त्योहार जो है वो हमें जो है खुशियां प्रदान करता। We go through a lot of challenges, well, a lot of obstacles, but during the festival we suddenly forget about all the obstacles, all the challenges, and have the joy with our family, with our loved one, with everyone. और हम बहुत सारी चुनौतियों और बहुत सारी बाधाओं से गुजरते हैं, लेकिन जब भी कोई त्योहार आता है हम सब कुछ को भूल करके अपने फैमिली के साथ में उस त्योहार का मजा लेते हैं। A lot of people now maybe cleaning up the house also because Diwali is coming ready. और बहुत सारे लोगों ने घर की जो है साफ सफाई भी शुरू कर दी होगी क्योंकि दिवाली आ रही है। So a lot of people are stretching of themselves. और बहुत सारे लोग जो है काफी मेहनत कर रहे हैं। But in this time, whatever is happening. और इस समय जो कुछ भी हो रहा है, but we need to make sure we always should not think about the output, but we also must think about the input. और हमें सिर्फ बाहरी नतीजों पे ध्यान नहीं देने की जरूरत है, बस हमारे अंदर क्या जा रहा है इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। So that is why today I specially choose this topic to let you to understand
what is unwavering focus? और इसीलिए आज हमने मैंने जो है इस टॉपिक को चूज किया है कि आप सभी तक इस बात का हम लोग जानकारी पहुंचा सके कि अटूट ध्यान किसे कहते हैं। So what I want to do, just hold on, okay. Okay, let me go into it. Just hold on. Okay. Okay. We, this is ourselves. और ये हम लोग हैं। You look at yourself. You have a shining, a bright of yourself. आप अपने आप को देखिए कि आप कितने गौरव ऊर्जान्वित हैं। You have a full of energy with you. हमारे अंदर में शरीर में बहुत सारी ऊर्जा का समावेश है। If you have a very clear mind. अगर हमारा जो मन है वो बहुत ज्यादा क्लियर है तभी हम इसको महसूस कर पाएंगे। Because Diwali is coming, everybody is cleaning the house. So you can see how vibrant is the house. Some people even painting also. जैसे कि दिवाली आ रही है और सभी लोगों ने अपने घर की सफाई शुरू कर दी है और कुछ लोगों ने पेंटिंग भी शुरू कर दी है। आप देखिए कैसे उसमें समझ में आएगा आपको। You see during the puja time, you see how glittering, how bright it is. आप देखिए कि पूजा के समय में और ये चारों तरफ कितना एक अभूत ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। You look at any fixed festival, even Christmas, you can see the houses, the street lights, everything will be glittering. आप चाहे क्रिसमस को देखिए या किसी भी त्योहार में देखिए हर जगह जो है जगमग रोशनी बनी रहती है। But look at ourselves. लेकिन अपने आप को भी देखिए। Are we glittering like this? क्या हमारे अंदर से वो चमक बाहर आ रही है? Because why? क्यों? You only can glitter if we understand the power of unwavering focus. हमारे अंदर की चमक तभी बाहर आ सकती है जब हम इस अटूट ध्यान के पावर को यानी इसकी ताकत को समझें। So what is the power of unwavering focus? तो आइए देखते हैं क्या है उस अटूट भरोसे का यानी अटूट ध्यान का ताकत। To have the power of unwavering focus, you must understand how to have the foundation for a concentrated mind. और जिनके पास में भी अटूट ध्यान की शक्ति है आपको यह समझना होगा कि जो केंद्रित हमारा जो मन है उसके ऊपर में उसकी नींव क्या। That means if you don't have a concentrated mind, you cannot focus. अगर आपका जो माइंड है यानी आपका जो मन है वो अगर एकाग्र नहीं है तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। Why people cannot focus? Because they cannot concentrate with the mind. क्यों ज्यादातर लोग जो है वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं क्योंकि वो जो है अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। It's like the spider web, you know, a lot of web in your mind. So if you don't clean up the web in your mind, how you can have a concentrated mind? When you have the concentrated mind, you can start to able to focus. और ये एक मकड़े के जाले की तरह हमारे दिमाग में होता है कि किस तरह से मकड़े का जाल अगर हमारे दिमाग में बुना हुआ है जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा मन जो है वो एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो यू डू मिरेकल्स इफ यू कंसंट्रेट योर माइंड ऑन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली। आप एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं अगर आप अपने जो मन है उसको एकाग्र करें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर। You look at the puja time. You concentrate only puja, 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 puja. आप पूजा के समय में देखिए कि आप पूरा अपना मन ध्यान जो है पूरा लगा देते हैं सिर्फ और सिर्फ पूजा पूजा पूजा। There is no other than the puja only. और उसके अलावा हमें और कुछ दिखता भी नहीं है। There is no other thing than even business also you don't think only. You only concentrate only on puja, 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 puja. और हम उसके अलावा अपने बिजनेस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सिर्फ एकाग्र मन हम लोग कर लेते हैं सिर्फ पूजा 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 और पूजा। या वी नीड अ बैलेंस ऑफ लाइफ। हाँ हमें संतुलन की जरूरत है अपने जीवन में। तो व्हेन यू आर इन बिजनेस यू हैव टू फोकस 100% अबाउट द बिजनेस ओनली बिजनेस बिजनेस बिजनेस। और जब आप व्यवसाय में है तो आपको अपने 100% लगा करके सिर्फ और सिर्फ सोचना होगा बिजनेस 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 और बिजनेस के बारे में। You see, you have 24 hours.
आप देखिए आपके पास 24 घंटे हैं, यू हैव 7 आवर्स फॉर स्लीप, आपके पास 7 घंटे सोने के लिए हैं, और 7 टू 8 आवर्स ना, यू पुट 8 आवर्स स्लीप ला, आप 8 घंटे की भी नींद ले सकते हैं. You ask yourself when you are sleeping, you concentrate with any other things? आप एक अपने आप से पूछिए कि जब आप सो रहे होते हैं तब आप किसी और चीज पर ध्यान लगाते हैं? You only sleep only. आप उस समय सिर्फ और सिर्फ सोते हैं और सिर्फ सोते रहते हैं. You don't focus on any other thing. आप किसी और चीज पर ध्यान नहीं लगाते हैं. You have another 8 hours doing other things, including bathing, including exercise, including eating and everything. आपके पास और 8 घंटे हैं जिनमें आप नहाना धोना खाना पीना सब कुछ आप उसमें करते हैं. And you have another 8 hours if you just focus only on, concentrate on your mind, on your business. Only 8 hours, you can see miracles will start to happen. और बाकी के बचे उन 8 घंटों में अगर आप 100% अपने मन को एकाग्र करके अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा चमत्कार खड़ा कर सकते हैं. But what you do, even that 8 hours, you don't concentrate. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन 8 घंटों में भी उस बिजनेस पे जो है ध्यान नहीं लगाते. When you don't concentrate, you can't see the results. और जब हम ध्यान नहीं लगाते हैं इसलिए हमारे पास नतीजे नहीं आते. So what is the foundation for a concentrated mind? तो ये देखिए कि एकाग्र मन की क्या है जो नींव है. There's only 4 foundation. सिर्फ और सिर्फ 4 तरह की नींव यहाँ पे आपको मिलेगी. Foundation 1. Foundation यानी नींव 1 नंबर. Living a purpose focused life. यानी अपने जीवन को एक लक्ष्य पूर्ण ध्यान जीवन जो है बनाना. See, there is a focused life. There is a purpose of focused life. आप देखें कि एक ध्यान पूर्वक जिंदगी होती है और एक उद्देश्य भरी ध्यान लगाने वाली जिंदगी होती है. There is nothing more important than knowing who you are. आप कौन है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई और बात नहीं. The problem, we do not know who we are. और समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं. You don't even love your own self. You don't even give time for your own self. और जब हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है इसी वजह से ना हम अपने आप को प्यार कर पाते हैं और ना अपने आप को हम समय दे पाते. When you know who you are, और जब आप ये जान जाएंगे कि आप कौन हैं, the path that you are on, you will start to see the path already. और तब आपको जो उस वो एक रास्ता अपने आप आपको मिल जाएगा कि किस रास्ते पे आप चल रहे. And his final end, that means your final end of your life also, you will start to see already. और आप अपने जीवन में कहां तक पहुंचेंगे ये भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा. This is very important, you know. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. When you don't understand this, knowing you who you are, if you don't understand the path you are on, you cannot see what is the final end of yourself. और जब आपको अगर ये नहीं पता रहेगा ना कि आप कौन है तो आपको वो रास्ता भी नहीं दिखेगा कि किस रास्ते पे आप चल रहे हैं और आपको अपनी जिंदगी का वो नतीजा भी आपको नहीं दिखेगा कि आपका जीवन कहाँ जाने वाला. Because you do not have a concentrated mind, because of you don't have the concentrated mind, your focus is not clearly. क्योंकि हमारे पास में एकाग्र मन नहीं है इसलिए क्या होता है कि हमारा ध्यान भी जो है वो इधर उधर भटकता रहता है. The ability to focus is one of the humanity's greatest asset. और ध्यान लगाने की जो क्षमता है ये इंसानियत का सबसे बड़ी संपत्ति. This is the key. और यही सबसे बड़ी चाबी है. You no need to have money. आपको पैसे की जरूरत नहीं. You don't worry about the skills. आप अपनी दक्षताओं के बारे में मत सोचिए. But if you start to understand focus on the focus what you really want, you can, that is the biggest ever asset that you got. लेकिन अगर आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर अगर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए यही सबसे बड़ी संपत्ति हो जाएगी. You look at all the successful people. आप जितने भी सफल व्यक्ति हैं आप उनको देखिए. Whether in politics, चाहे वो राजनीति में हो. Whether in your family, चाहे वो आपके परिवार में हो. Whether in society, चाहे वो हमारे समाज में हो. Whether in politics, चाहे वो राजनीति में हो.
whether in spiritual, चाहे वो आध्यात्मिक में हो, yeah, nobody, कोई भी, but they had only one thing, focus. और उन सबके पास एक ही चीज था, ध्यान लगाना. Because of the focus, they start to understand who they are, and they know their path, and they know their final end. और उसी ध्यान की वजह से वो ये जान पाए कि वो कौन है, उनको किस रास्ते पे चलना है और वो कहां तक पहुंचेंगे. Why you cannot focus? आप क्यों ध्यान नहीं लगा पाते? Because you are always faced with challenges. क्योंकि हम हमेशा चुनौतियों का सामना करते रहते हैं. That is the greatest test, la. और यही जो है सबसे बड़ी हमारी चुनौती है. If today you cannot achieve what you wanted because you failed to have the focus. आज हमने जो सोचा था वो हम अचीव नहीं कर पाए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अपने जीवन ध्यान नहीं लगा पाए. दिस इज द की. और यही सबसे बड़ी चाबी. इट इज द कोर ऑफ ऑल ह्यूमन सक्सेस एंड एंड्यूर बिकॉज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज व्हाट हेल्प्स अ पर्सन मैनिफेस्ट देयर गोल्स इन लाइफ. और ये उस इंसान के जिंदगी का ये सबसे बड़ा सार है, उसकी सफलता का, उसके सारी जिंदगी में आगे बढ़ने का यही एक सार है कि उसके पास में वो अपने मन को ध्यान लगा सकता था और अपने गोल को अचीव करने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ सकता. सो टुडे यू गॉट द आंसर. सो आज आपको जवाब मिल गया. यू नीड टू हैव द फोकस. आपको ध्यान लगाने की ज्यादा जरूरत है. Living a focused life is a choice. आप ध्यान पूर्वक जिंदगी जिएंगे ये आपकी एक पसंद है. And we all have the choice of whether we want or not. और ये हमारे पास हम totally free हैं ये जानने के लिए ये इसको क्या हम इसको चूज करेंगे या नहीं करेंगे. So it is your choice. ये आपके खुद का चयन है. You cannot blame anybody. आप किसी और पे जो है इल्जाम नहीं लगा सकते. If you are not getting the result, because the answer is you are not focused. That is the key. अगर आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप ध्यान नहीं लगा रहे हैं. Don't blame the environment. आप वातावरण को दोष मत दीजिए. Don't even blame the God. आप भगवान को भी जो है दोष मत दीजिए. Don't ever blame your father. आप अपने पिताजी को भी दोष मत दीजिए. Don't ever blame the mother. आप अपनी माताजी को भी दोष मत दीजिए. Don't even blame the politician. आप राजनेताओं को भी जो दोष मत दीजिए. Don't even blame the country. आप इस देश को भी जो है दोष मत दीजिए. It is the choice that you want or you don't want. और ये सिर्फ और सिर्फ आपका चयन है कि आप इसको लेते हैं या नहीं लेते. It's your life. ये आपकी जिंदगी है. And you should decide how you want to live it. और आपको ही इसका चयन करना होगा कि आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी. The life that you are leading now. और अभी जिस तरह का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं. Today. Especially today, खास करके आज, you have decided a long time ready. आप बहुत पहले से जो आप लोगों ने चयन कर लिया था. That's why your life is like this. और इसीलिए आपका जीवन जो है वो आज आज जैसा है वैसा ही है. You have won a better life. आप अभी अगर जिंदगी में अच्छी जिंदगी चाहिए होगी. You decide to change now. अगर आप चाहते हैं तो आपको आज ही डिसीजन लेना होगा. So, that's it. Living a focused life supports you in having a more rewarding life. और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ध्यान वाली यानी जिंदगी पे ध्यान लगा करके अगर आप जीना शुरू करेंगे तो आपको जो है आपकी जिंदगी और बेहतर हो करके आपके पास में वापस आ जाए. तो focused life, ध्यान वाली जिंदगी, ध्यान पूर्वक जिंदगी जो होती है. What is focused life? वो क्या होती? You are able to give whoever and whatever you are engaged with your undivided attention. हम जो है जिसके साथ भी या जिस किसी चीज पे भी अगर हम इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ अगर हम इंगेज होते हैं जुड़ते हैं तो उसमें हम अपना अनडिवाइडेड यानी बिना विभाजित जो है अपना अटेंशन जो है उस पर देते. That means there is a focused life. I'm going to share with you what is focused life and what is purpose focused life, you know. तो मैं आज आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं कि क्या फोकस यानी ध्यान लगा के जीना क्या होता है और उद्देश्य के ऊपर में ध्यान लगा के जीना जिंदगी क्या होती है. यू
way. You are fully present in all your experiences and thus creating a truly rewarding life. True, your experiences are not driven by a greater overarching purpose. आप अपने जितना भी अभी तक आपको अनुभव हुआ है उस अनुभवों में आप 100% उसमें मौजूद थे और उसी लिए आपने अपनी जिंदगी का अभी तक जितना भी बेहतर बनाया उसी के हिसाब से बनाया, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो क्या होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी आपने उद्देश्य बनाया उसी के ऊपर में निर्भर करता। So this is what focus life. और यही होता है एक ध्यान पूर्वक जिंदगी। What is purpose focus life? तो उद्देश्य के साथ उद्देश्य के ऊपर में ध्यान लगाकर जीना क्या होता है? Your life purpose defines your priorities and your priorities drive what you are focused on. और हम जिंदगी में जो हमारा जो उद्देश्य हम बना के चलते हैं उसी से हम अपनी प्राथमिकताओं को जो है निर्धारित करते हैं और हमारी जो प्राथमिकताएं होती हैं वही हमारे फोकस यानी उसी चीजों पे हम अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित कर पाते हैं। So this is where you will start when you have purpose, you will start to see the priorities ready. और यही होता है कि जब आपके पास कोई उद्देश्य रहता है ना तो आपको समझ में आता है कि पहले क्या करना है। Life is lived very intentionally. और आप जो जीवन जीते हैं वो समझ लीजिए कि आप जानबूझ करके वैसा जीवन जीते। तो दिस इज व्हाट वी से पर्पस फोकस लाइफ। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ध्यान पूर्वक यानी उद्देश्य भरी ध्यान पूर्वक जिंदगी। यू मेक वाइज चॉइसेस ईच डे बेस्ड ऑन योर लाइफ्स पर्पस। और आप हमेशा रोजाना जो है ना हर दिन आप एक सही डिसीजन लेते हैं जो भी आपके जीवन का पर्पस होता है उसके ऊपर में निर्धारित करते हैं। Who you spend with time with? आप किसके साथ समय बिताएंगे? What you spend time on? आप किन चीजों पे समय बिताएंगे? What music you listen to? आप किस तरह का संगीत सुनेंगे? What books you read? आप किस तरह की किताबों को पढ़ेंगे? What shows you watch? आप किस तरह का शो जो है वो देखेंगे? What foods you eat? आप किस तरह का भोजन ग्रहण करेंगे? And more. और सारी चीजें। Now you understand what is purpose focus life? आपको अब समझ में आया कि purpose focus life क्या होता है? You give who and what you are engaged with your undivided attention. आप जो है जिसके साथ भी और जिस चीज पे भी अगर आप इन्वॉल्व होते हैं उसी पे अपना जो है अविभाजित जो आपका अटेंशन होता है ध्यान वही लगाते हैं। But the who and what are intentionally chosen. लेकिन वो कौन है और क्या चीज है वो आप खुद चूज करते हैं। Today you want to do business or you don't want to do the business, it is whether you intentionally chosen or no. आप आज बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते ये पूरा पूरी आप ही डिसाइड करते हैं। So this is the difference between focused life and purpose focused life. और यही जो है बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक फोकस लाइफ और एक पर्पस फोकस लाइफ। सो इफ यू वांट टू हैव अ पर्पस फोकस लाइफ द फाउंडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड माइंड इज नंबर 2 इज टेकिंग चार्ज। अगर आप अपने उद्देश्य के ऊपर में ध्यान लगा करके जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसका दूसरी जो सबसे बड़ी नींव है वो इसका मतलब है कि आपको दायित्व लेना हो। यू हैव टू टेक चार्ज। आपको दायित्व लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट लीव इट up to the environment to determine what we focus on. हम जो अपनी परिस्थितियों या वातावरण पे छोड़ नहीं सकते कि हमारा ध्यान वो किस तरफ लगाएगी। The outcome would be disastrous. क्योंकि उससे जो नतीजे हमारे आएंगे वो बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे। If you want to build your network, अगर आप अपने नेटवर्क को तैयार करना चाहते हैं, you have to design. आपको चयन करना होगा। But all the while, what really happens to us, we let the environment to decide for us. And we are half on that environment. और अभी तक हमारे साथ क्या हुआ कि हमने परिस्थितियों को मौका दिया कि वो हमारे लिए चयन करे और इसीलिए आज हम जहां पहुंचे वहीं पे ही पहुंचे। I believe you understand, you know who is Nelson Mandela. और मुझे विश्वास है कि आपको पता है कि नेल्सन मंडेला कौन। He is 70 years inside the prison. वो 17 साल जा जीवन अपने उसमें जेल में रहे। He never let that prison environment to determine what he really want. और उन्होंने कभी उन जेल की परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि वो क्या चाहते हैं उसको बदल सके। He decide who he is. He choose the path
and you know the final end. और उन्होंने वो जाने कि वो कौन है और किस रास्ते पे उनको चलना है और उसका नतीजा क्या होने वाला है ये उन्होंने खुद देखा. He take charge of his life. उन्होंने अपने जीवन का दायित्व लिया. Why in any sports there is a team captain because he need to take charge. हर किसी के खेल में आप देखेंगे किसी भी खेल में एक कप्तान जरूरी होता है क्योंकि उस कप्तान को जिम्मेदारी लेनी होती है. So if today you cannot achieve whatever goals that you have set, it is not because of anything, because you let environment to determine what you focus on. तो आज हमने जो भी लक्ष्य बनाया और वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमने उन परिस्थितियों को मौका दे दिया कि हमको उस लक्ष्य से जो है भटका सके. The law states you have to go through the challenges. और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा. Every day is sunshine. हर दिन जो है टेंशन होती है. If every day is sunshine, earth is finish long. और अगर हर दिन जो है ये सूरज जो वो निकलता ही रहेगा तो If every day is raining, earth also finish it. और अगर हर दिन बारिश होगी तो खत्म हो जाएगी दुनिया. This is what the balance of nature. और यही जो है प्रकृति का संतुलन है. So same goes into our life. और यही हमारे जीवन में भी होता है. You bound to face challenges. हम जो है चुनौतियों का सामना करने के लिए बाध्य हैं. From who? From your environment. किससे? अपनी परिस्थितियों से. Your downline will say all the reasons. आपके जो डाउनलाइन है वो सारे कारण आपको बताएंगे. Because this is their life. क्योंकि वो उनकी जीवन है. But if you really want to change your life, you have to change your downline also. अगर आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने डाउनलाइन को भी बदलने की जरूरत है. You cannot hope with the same downline and expecting a miracle to happen. आप अपने उन्हीं पुराने साथियों के साथ रह करके आप एक नए चमत्कार की आशा नहीं कर सकते. This is why many people fail in business. और इसीलिए बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं. Remember, we must take charge of what it is we wish to focus on in life. और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें जो है दायित्व लेना पड़ेगा अगर हम अपने जिंदगी में ध्यान देना चाहते हैं. We also cannot leave it to our mind. हम इसको अपने मन के ऊपर में भी नहीं छोड़ सकते हैं. Because the mind has no ability to discriminate between what is good for you and what is not good for you. क्योंकि हमारे मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो ये डिसाइड कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. For some of you, smoking is no good. कुछ लोगों के लिए सिगरेट पीना जो है वो अच्छी बात नहीं है. For some people, smoking is good. और कुछ लोगों के लिए सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात है. For you, drinking is no good. आपके लिए शराब पीना अच्छी बात नहीं है. For some people, drinking is good. लेकिन कुछ लोगों के लिए शराब पीना बहुत अच्छी बात है. Good or bad, who decide? You think the mind decide? आपको क्या लगता है कौन अच्छा है दोनों में कौन सही है ये कौन डिसाइड करता है? मन डिसाइड करता है? It is you to decide. ये सिर्फ और सिर्फ आप है जो इसका चयन करते हैं. You have to train your mind to decide. Remember, you have to train your mind to decide. आपको ये ध्यान रखिए कि आपको अपने मन को तैयार करना होगा उसको ट्रेन करना होगा डिसीजन लेने के लिए. Today you are not getting the result. It's just because you already train your mind not to get the results. आज आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो इसमें आप सोच करके चलिए कि हमने अपने मन को तैयार किया है कि हमें नतीजे नहीं चाहिए. Because you already train your mind to listen all the reasons and excuses. क्योंकि हमने अपने दिमाग को अपने मन को तैयार किया कि हम सारे जितने भी अफवाहें होती हैं ना जितने भी जो एक्सक्यूजेस है या बहानों को सुनने के लिए हमने तैयार. वंस यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू लिसन ऑल द रीजंस एंड एक्सक्यूजेस फॉर यू इट्स गुड फॉर समवन इट्स नॉट गुड. और एक बार जैसे जब हम अपने मन को तैयार किया सारे बहानों को सुनने के लिए हमारे लिए अच्छा हो सकता है लेकिन किसी और के लिए वो नहीं अच्छा हो सकता. वंस यू हैव ट्रेन्ड एंड प्रोग्राम्ड द माइंड टू बी एबल टू डिटरमाइन वाइजली व्हाट इज फिजिकली मेंटली इमोशनली and spiritually uplifting to you, then it can help you make better choices in life. और एक बार अगर आप अपने मन को एक प्रोग्राम में डाल देते हैं उसको ट्रेन कर देते हैं कि आपके लिए शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे भावनात्मक जीवन में और आपके आध्यात्मिक जीवन में क्या अच्छा है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है तो ये समझ लीजिए कि आप सबसे अपने जीवन में बेहतर चॉइस आप कर चुके हैं. So this is what it really means. So, इसका मतलब यही है कि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण.
You are energetically connected to all those who are in your life. आपके जीवन में जितने भी लोग हैं उन सबसे आप पूरी ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हैं. As you uplift yourself, और जैसे आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं जिंदगी में, you uplift all of them as well. और जब आप बड़े बनते हैं तो आप उन सबको भी बड़ा बना देते हैं. So investing your time in developing yourself is not selfish. तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने ऊपर जो समय आप लगाते हैं वो स्वार्थ भरा नहीं होगा. Remember, if you can uplift yourself, the total people surrounding you, that including your parents, your people, everyone will be uplifted. So you have to decide whether you want to uplift or no. So ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बड़े बनते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने माँ बाप को भी बड़े बनाते हैं, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को भी बड़ा बनाते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें डिसीजन लेना है कि हम बड़ा बनना चाहते हैं कि नहीं. The fact that you have a life is the only reason you need to take charge of it and live the best life you can. लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपके पास एक जीवन है और उस जीवन का दायित्व आपको लेना होगा और उस जीवन को अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन आपको बनाना. Remember, you only have one life. You don't have two lives. आप ध्यान रखिए, आपके पास सिर्फ एक ही जीवन है, आपके पास दो जीवन नहीं है. Number three. To have a concentrated mind. और तीसरी जिस नींव के बारे में हम बात करेंगे. Number one is a purpose-focused life. पहला जो था वो था हमारा purpose-focused life. Number two, take charge. और दूसरा था कि दायित्व लीजिए. Number three, desire. और नंबर तीसरी है इच्छाएं. Life's supreme force. और इच्छाएं जो है वो जिंदगी का सर्वोत्तम ऊर्जा है. Behind this demand for a new and better things. आपके पास जो demand है, अगर आप demand करते हैं अपने जीवन में बहुत अच्छे और नई चीजों का, there is one quality one possess to win, and that is definite of purpose. तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक, आप एक क्षमता को सिर्फ डेवलप करिए कि आपके जिंदगी में जो purpose है उसको कैसे पाना. The possess the knowledge of what one wants and a burning desire to possess it. और ये सारा चीज जो है ना आपके जीवन में तभी घटित हो पाएगा कि जब आप अच्छाओं को अपने जीवन में लाएंगे. Remember, a burning desire to possess it. आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इच्छा यानी ज्वलनशील जो इच्छा है वही इस पे काम करे. If your burning desire to create the result is there, अगर आपके अंदर में वो आग लगी, आपके इच्छाओं के अंदर इतनी आग है, तभी आप जीवन में उसको कर पाएंगे. You will create the results. तभी आप नतीजों को है अपने जीवन में ला पाएंगे. If your burning desire on the excuse and reason is there, अगर आपके पास जो इच्छाएं हैं वो इतनी ज्यादा प्रबल है कि जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे आपके पास बहाने ही बहाने हैं, यू ऑल्सो नो व्हाट इज द रिजल्ट इज ऑल अबाउट. तो आपको भी पता है कि आपके जीवन में क्या नतीजे हैं. So if you see what is your results today, it all depends on the desire. Remember, desire is the life's supreme force. आप हमारे साथ जो भी नतीजे हो रहे हैं, आप उसमें ये समझ लीजिए कि वहीं कहीं ना कहीं आपकी उन इच्छाओं में कमी थी. आप ध्यान रखिए कि इच्छा ही जो है वो जीवन का सर्वोत्तम फोर्स है. So unwavering focus. If you don't have the desire, life's supreme force, you cannot have a concentrated mind. और ये ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है और एक बर्निंग इच्छा जिसको कहते हैं ना, एक ज्वलन इच्छा, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में जिंदगी में वो सुप्रीम फोर्स आप खो दे. Without an inextinguishable desire, nothing is achieved. और ये ध्यान रखिए, एक प्रबल इच्छा के बिना आप जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. This is very important. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. Program is going on now. आप देखिए कि अभी ये प्रोग्राम जो अपना चल रहा है. Some of you are focused here. आप कुछ लोग यहाँ पे ध्यान लगा करके बैठे हैं. Some of you are focused is something else. आप लोग कुछ लोग और किसी चीज पे ध्यान लगा के बैठे हैं. Some of you are resting and listening. कुछ लोग जो है सो करके आराम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. Some of you are sitting down and listening. और कुछ लोग जो है बैठ करके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. Some of you different form of listening. और कुछ लोग जो है अलग अलग तरीकों से जो है इसको देख रहे हैं.
That shows what is your desire. और वही जो है वो डिसाइड करता है, वो दिखाता है कि आपकी इच्छा क्या है. Remember, that is the life supreme force. आप ध्यान रखिएगा कि जिंदगी की सर्वोत्तम ऊर्जा वही है. You are clear that you want to live a focused life. तो अभी जब हमारे पास ये क्लियर हो गया है कि हमें जो है एक जिंदगी में एक फोकस लाइफ चाहिए, then the subsequent question is how badly do you desire it. और उसी के साथ एक और एक सवाल हमारे मन में उठता है कि उसको पाने के लिए हमारी कितनी प्रबल इच्छा है. Most don't desire it badly enough. और बहुत सारे लोग जो है ना वो इच्छा जो रखते हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं रखते. And the lack of intensity of this desire. और उस प्रबल इच्छा का न होना उसके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है. What ultimately causes them to not to be able to live a focused life. और यही जो प्रबल इच्छा का अभाव है वही आपके जीवन में आपको एक फोकस लाइफ जीने से रोक देता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए. द लैक ऑफ इंटेंसिटी यानी कि जो हमारा फोर्स है ठीक है उसकी कमी होना. You will say all the reason. आप जो है सारे बहाने बताएंगे. If the result is not if the result what you are not getting, it's all purely lack of the intensity of this desire. और आपके पास अगर नतीजे नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि आप तो उस प्रबल जो इच्छा है उसी का ये प्रभाव. What are you willing to do for it? आप ये देखिए कि आपको वो पाना है तो आप उसके लिए क्या करने को तैयार हैं? It all comes down how badly you desire what it is you seek. और जो आप देख रहे हैं उसको अगर आप पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज पे आके अटकेगा कि उसके लिए आपके पास कितनी प्रबल इच्छा है. The intensity of this desire will determine what you are willing to give up in the pursuit of it. और जो आपकी प्रबल इच्छा है उसी का यह प्रभाव होगा कि आप उस चीज को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो. You see, all the successful people in whatever field they are, आप देखिए कि जिंदगी जितने भी सफल व्यक्ति हैं किसी भी क्षेत्र से हो, they willing to give up in pursuit of it. They willing to give up something on it. और वो हमेशा तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ उसके पाने के लिए खोने के लिए तैयार रहते हैं. That is the difference. और यही जो है डिफरेंस है. And the final one is making the case. और चौथी जो नींव है कि उस घटना चक्र को तैयार करना. Make it as a case for you. और आपको इसको जो है ये घटना चक्र की तरफ बनाना होगा. Beside the lack of desire, I often wonder what else missing to account for their failure to pursue their conviction to success. और इस प्रबल इच्छा के अलावा क्या ऐसा है जो मैं हमेशा ये सोचता रहता था आश्चर्य करता हूं कि उसमें क्या ऐसी चीज है जो हम लेकर कर रहे हैं अपनी चीजों को पाने के लिए. The company gives you sometimes promotion. आपको कंपनी जो है बीच बीच में प्रमोशन देती है. Why we never achieve that promotion? हम वो प्रमोशन को अचीव क्यों नहीं करते हैं? Because we never make it as a case for us to make it happen. क्योंकि हम उसका एक घटना चक्र जो है ना समझ लीजिए वो तैयार नहीं करते. केस उसका हम जो है तैयार नहीं करते. The company sometimes give you tour promotion. कुछ कुछ बीच बीच में कंपनी जो है आपको टूर का भी प्रमोशन देती है. Sometimes the company gives mini hydrogen promotion. और बीच बीच में कंपनी मिनी हाइड्रोजन का भी प्रमोशन देती है. Sometimes the company gives pendant promotion. बीच बीच में कंपनी जो है वो आपको पेंडेंट का भी ऑफर देती है. So many things company has given. बहुत सारी चीजें जो कंपनी ने दिया. But why we never make it up, never get it? But बहुत सारे लोग क्यों उसको अचीव नहीं कर पाते हैं? Because we never make it as a case for myself that I really want to do. क्योंकि हम इसको जो है ना एक केस की तरह नहीं लेते कि हाँ मुझे ये चाहिए ही चाहिए. Because most people likely never make the case to themselves about why they need to live a focused life. क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो है ना वो एक केस नहीं बना पाते हैं यानी घटना नहीं चक्र नहीं बना पाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में वो ध्यान वाली जिंदगी क्यों चाहिए. In other words, they have not sold it to themselves. This is the answer. और दूसरे शब्दों में बात करें तो उन्होंने उस आइडिया को उस चीज को अपने आप में नहीं बेचा. It's difficult. हमें लगता है ये बहुत कठिन है. Difficult to go to Jakarta. अरे ये बहुत मुश्किल है जकार्ता जाना. That means they never sold it to themselves.
क्योंकि इसका मतलब यह है कि उन्होंने कभी वो देखा ही नहीं है. So whatever you are not achieving it is just because you have never sold it to yourself. तो आप जो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, समझ लीजिए कि उस आइडिया को, उस चीज को आपने अपने आप को नहीं बेचा. If you sold to yourself, you will definitely will make it happen. अगर आप उसको अपने आप को बेच पाएंगे तो आप सही में उसमें जा भी पाएंगे. In the next session, और अगले सेशन में we will dive into making the case for a living a focused life. और अगले सेशन में हम ये लोग घुस जाएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे अपने जीवन को एक जो है ध्यान पूर्वक जीवन बनाए. I'm not going to give you everything today. अब मैं आप सबको आज ही सब कुछ नहीं दूंगा. This month is the most challenging month. ये बहुत ज्यादा, ये महीना जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चुनौती भरा है. If you sold yourself that this month I can't make it, you are right. अगर आपने अपने आप को बेच लिया कि इस महीना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप एकदम वही करेंगे. If you can sell to yourself this month I'm going to make it, you also right. अगर आप इस महीना अपने आप को ये बेच लेते कि इस महीना मैं करके दिखाऊंगा, तब भी आप सही हैं. So the choice is yours. ये आपको अपने चयन करना है. I can't force you. मैं आपको जो है फोर्स नहीं कर सकता. It all depends on you, what type of life you want to live. ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का जीवन आप चाहते हैं. Why only some succeed? क्यों कुछ लोग जो है वो जीवन में सफल होते हैं? They invest in personal development. क्योंकि वो अपने आप को डेवलप करने के लिए उस पे इन्वेस्ट करते हैं. The moment you uplift yourself, the people surrounding in your family also will lift that up. और जैसे ही हम धीरे धीरे बड़े बनना शुरू करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी अपने आप बड़े बनना शुरू कर देते. They focus on learning new skills. और जो लोग सफल होते हैं वो नई नई क्षमताओं को सीखने में जो है उस इन्वेस्ट करते हैं. They know their true purpose. उनको अपने जीवन का सही उद्देश्य पता है. They are willing to work for what they want. और वो कुछ जो चाहते हैं उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. They value and prioritize all elements of their health. और वो अपने शरीर के लिए हर वो संभव, हर वो चीज जो जरूरी है वो करते हैं. If you can do this, you are on the way to success. अगर आप ये कर सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस सफलता के राह पे निकल पड़े. Why you should have goals? आप जो है कोई भी चीज जो आप जीवन में लक्ष्य क्यों होना चाहिए? The company already given the goals for you. कंपनी ने जो है कुछ लक्ष्य आपके लिए बना दिया. This month there is a next 3 months there is a tour promotion. अगले 3 महीने के लिए जो है एक टूर का प्रमोशन है. इफ यू नो हाउ टू टेक कंट्रोल, इफ यू नो हाउ टू अचीव दिस गोल्स, दैट मींस यू कैन स्टार्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. अगर आपको पता है कि आपको ये कैसे अचीव करना है, इसका मतलब आप अपने जीवन पर नियंत्रण खुद ला रहे. दे हेल्प यू टू अचीव योर हाईएस्ट पोटेंशियल. और गोल जो होते हैं, लक्ष्य जो होता है, वो हमारे जिंदगी के, हमारे अंदर के सर्वोत्तम शक्ति को जगाने में कामयाब रहते हैं. दे एंश्योर दैट यू लिव योर बेस्ट लाइफ. और वो ये बात का निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ जीवन जिए. गोल्स हेल्प यू बिलीव इन योरसेल्फ. लक्ष्य आपको मदद करता है आपको खुद पे विश्वास करने के लिए. दे मेक यू ऑब्लिगेटेड टू एक्ट. आपको जो है वो तैयार करता है कि आपको कर्म करना चाहिए. गोल्स गिव यू फोकस. और जो लक्ष्य है वो आपको ध्यान देता है. गोल्स मोटिवेट यू. और गोल्स जो है वो आपको उत्साहित करता है. I am at the age of 60. मैं 60 वर्ष का, यानी सर 60 वर्ष के हैं. Until now I still have goals, you know. और मेरे पास अभी भी जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं. If I don't have goals, I won't have motivation for myself, you know. अगर मेरे पास लक्ष्य नहीं होगा तो मेरे पास खुद के लिए उत्साहित रहने के लिए कोई वजह नहीं रहेगी. Because of goals, it gives my I have a best life, you know. और उन लक्ष्य की वजह से ही मैं अपने जीवन का बेस्ट लाइफ जी रहा हूं. इट हेल्प मी टू अचीव माय हाईएस्ट पोटेंशियल, यू नो. और ये इसने मुझे मदद किया अपने जिंदगी के अपने असीम क्षमताओं को जगाने में. रिमेंबर समथिंग यू कैन चेंज. ध्यान रखिए आप कुछ चीजों को नहीं बदल सकते. समथिंग यू कैन चेंज. और कुछ चीजों को आप बदल सकते. यू कैन चेंज द पास्ट. आप अपने भूतकाल को नहीं बदल सकते. व्हाटएवर हैपेंड from just now on whatever happened the past of today, nothing can be changed.
और टिल नाउ यानी अभी तक जो कुछ भी हो गया उसको हम लोग नहीं बदल सकते. व्हाट यू हैव लर्न टुडे, इफ यू नो हाउ टू पुट योर अनवेवरिंग फोकस, यू कैन स्टार्ट टू चेंज योर फ्यूचर. और जो भी आज आपने सीखा कि कैसे अपने उस अटूट ध्यान को लगाएंगे तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं. यू कांट चेंज अदर पीपल्स बिहेवियर, आप दूसरे लोगों का व्यवहार आप बदल नहीं सकते. यू कांट चेंज योर डाउनलाइन बिहेवियर, आप अपने डाउनलाइन का भी बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते. बट यू कैन चेंज योर माइंडसेट, व्हाट यू वांट टू डू. लेकिन आप अपने माइंड को जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं. You can't change other people's thought. आप जो है दूसरे लोगों के बातों नहीं बदल सकते. You can't change your downline thought. It's their rights. आप दूसरे आप अपने downline की बातों को भी नहीं बदल सकते. But if you follow according to their thoughts, your life can be changed. और अगर आप उनके सोच की तरह हिसाब से आप चलना शुरू करेंगे तो आप भी नहीं. You have to change your point of view so that your life can start to change. आपको अपने सोच को बदलना होगा ताकि आपका जीवन जो है वो बदलना शुरू हो जाए. रिमेंबर टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम इज आवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन. और ये ध्यान रखिए कि अपनी समस्याओं के बारे में बात करना ये हमारे लिए सबसे बड़े नशे की बात हो गई है. टॉकिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम इज आवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन. रिमेंबर इट्स अ ग्रेटेस्ट एडिक्शन. एक्सक्यूजेस रीजंस ऑल अ ग्रेटेस्ट एडिक्शन. आप ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में जब अपनी समस्याओं के बारे में लोगों को बताते हैं ना तो ये हमारा एक बहुत बड़ा नशा हो गया. ब्रेक द हैबिट और इसको तोड़ दीजिए आज. टॉक अबाउट योर जॉय सोली और आज से ही सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में उत्साह आनंद के बारे में बात कीजिए. योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज. आपका जीवन देखिएगा अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई कैन से टू यू. और यही जो है आज मैं आपको ये बता सकता. यू सी This is a piece of tissue, you know. I just want to share with you. आप देखिए कि ऐसे यहाँ पे मैं आपको टिश्यू दिखा रहा हूँ. There is four corners of this tissue, you know. और इसके चार कोने हैं. One corner is your parents. एक कोना जो है वो हमारे parents हैं. One corner is your children. एक तरफ हमारे एक कोने में हमारे बच्चे हैं. One corner is your people. एक तरह एक कोने में जो है हमारे जान पहचान के लोग हैं. One corner is others. और एक एक कोने में जो है और अलग लोग. बट the center is you, you know. लेकिन उस बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में है आप. इन द मोमेंट यू अपलिफ्ट योरसेल्फ और जैसे ही आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं यू आर पुलिंग एवरीबॉडी टू द टॉप रेल और आप अपने इर्द गिर्द में सारे लोगों को जो है धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देते. यू अंडरस्टैंड नाउ. आपको अब समझ में आया. वेरी सिंपल थिंग ओनली. बहुत आसान है ये बात. यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ देन ओनली द एंटायर ऑफ योर लाइफ विल चेंज. योर एवरीथिंग विल चेंज. आपको खुद को बड़ा बनना होगा. जब तक आप बड़े नहीं बनेंगे आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपकी वजह से बड़े नहीं बनेंगे और आपकी जिंदगी में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा. आई एंड दिस सेशन टुडे और मैं आज अपनी बातों को यहाँ पे विराम देता हूँ. स्टार्ट टू हैव अनवेवरिंग फोकस और आप अपने जीवन में अटूट भरोसा जो है अटूट जो ध्यान है उसको लाइए. फॉर ऑल द केलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एवरी वन ऑफ यू हैप्पी दिवाली. और आप जितने भी लोग आज यहाँ पे केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे यहाँ पे मौजूद है सबको मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ. फॉर वेस्ट बंगाल छठ पूजा इज मोर इम्पोर्टेंट देन द दिवाली रेडी. और पश्चिम बंगाल के लिए और हमारे यूपी बिहार के भाइयों के लिए जो है छठ पूजा वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है. I'll see you next month. मैं आपसे अगले महीना फिर मिलूंगा. The continuation of this program. और इसी प्रोग्राम के एक अगले भाग में भाग के साथ में. Let's have a good life. आइए एक अच्छा जीवन जीते हैं. Let's have a beautiful life. आइए एक खूबसूरत जीवन जीते हैं. Remember of this tissue only now. और ये जो आज मैंने टिश्यू के बारे में बताया. Remember you are the center of the tissue. और आप जो है उसके बीच में हिस्सा है. If you can uplift yourself, everything changes ready. और अगर हम अपने जीवन में बड़ा बनने में कामयाब होते हैं तो हम हर चीजों को बदल सकते हैं. Thank you very much for your time. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय के लिए. Today is Tuesday. Every one of you are here at this 8 p.m. to 9 p.m. और आज मंगलवार है और आप लोग इसे आज हमारे साथ में 8 से 9 बजे तक आप हैं. Let's have a wonderful month. आइए इस महीने को बहुत अच्छा बनाएं. इमोशनली फिजिकली
spiritually, including business also. आइए इसको भावनाओं से भरा हुआ महीना बनाए, इसको शारीरिक महीना बनाए और जो इसको स्पिरिचुअल महीना के साथ साथ में बिजनेस भी अच्छा करें। Let's make it things happen. आइए चीजों को हम लोग घटित करते हैं। God bless everyone. Thank you very much. Namaskar, namaste. Thank you. Okay. Thank you very much, sir, for giving us the valuable time because we are now very highly obliged that you always gives us a lot of opportunities and lot of support to develop ourselves. So thank you very much, sir, for once again for giving your valuable time. Thank you. Okay. तो साथियों आज हमने जो देखा और जो सीखा ये पूरे प्रोग्राम का जो निचोड़ था वो यही था कि हमारा जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हमारे उस अटूट फोकस के ऊपर में। तो आज से ही अपने जीवन में अच्छी बातों पे फोकस करना शुरू कीजिए, अच्छे नतीजों पे फोकस करना शुरू कीजिए और अच्छे जो हमारे नतीजे आएंगे उन अच्छे नतीजों से जीवन में होने वाली अच्छी घटनाओं पे आप जो है उन घटनाओं पे जो है फोकस करना शुरू कीजिए। तो आज तक हमारे जीवन में जो होता आया अभी तक जो हमने सोचा था उसी का नतीजा हुआ आज हमारा जीवन है। और आज से जब अच्छी बातें हम जब सोचना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में आने वाला जो कल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप सभी ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, आने वाले दिनों में हम दिवाली भी मनाएंगे, आने वाले दिनों में हम छठ पूजा भी मनाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 24/7 आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर और बेहतर और बेहतर कैसे बनाएं। तो इसी आशा और विश्वास और कामना के साथ में आप सभी का अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी और बहुत बेहतरीन मीटिंग के साथ में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, त्योहारों को एंजॉय करिए और हाँ अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।